बावलोग एपिसोड 5 ड्रॉप आउट हो चुका है, ट्रस्ट मी मैन, मजा आ रहा है। कहानी बहुत ही जबरदस्त मोड पर पहुंच चुकी है, उस मोड पर जहां पर ये पूरा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का झमेला शुरू हुआ था। अगर एल्व्स टाइम पर यहां पर पहुंच जाते, शायद हमें ये लॉर्ड ऑफ द रिंग जैसी प्रीसियस चीज देखने को ही ना मिलती। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट इरेगियन, द सेंटर एंड बैकबोन ऑफ दिस एंटायर फॉर्मेशन ऑफ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर। क्योंकि सौरन लगातार अपने मंसूबों को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एज वी सॉ इन प्रीवियस एपिसोड, रिंग की बात चल रही थी, तो बाबा 3 एल्वन रिंग के बाद अब 7 ड्वार्वन रिंग को कंप्लीट कर दिया गया है। यानी बौनों के लिए 7 रिंग को बना दिया गया है और उन्हें बांट भी दिया गया है, और इसका इस्तेमाल किंग ड्यूरिंग खाजा डूम को बेहतर बनाने में लगातार कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना बाबा कि कोई भी प्रीसियस चीज इतनी आसानी से जब मिलती है और उसका जब आप इस्तेमाल करते हो तो कीमत हर एक चीज की चुकानी पड़ती है। और किंग ड्यूरिंग रिंग की हेल्प ले तो रहे हैं, लेकिन बदले में किंग ड्यूरिंग अननेचुरल एक्टिविटी भी करते नजर आ रहे हैं। पावरफुल रिंग ड्यूरिंग को हार्म कर रही है मेंटली एज वेल एज फिजिकली, मेमोरी लॉस, मेकिंग ग्रीडी ऑफ हिम एंड मोस्ट ऑफ टायरेंट बिहेवियर। तो बाबा खाजा दूम में पॉलिटिक्स फिलहाल सही चल रही है, लेकिन रिंग के आते ही और माउंटेन्स की ज्यादा खुदाई करने से डिसा ने एक क्रिएचर की आवाज सुनी थी, जो हो ना हो, जहां तक मुझे ज्ञान है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बारे में, ये ड्रैगन हो सकता है। दूसरी तरफ न्यूमिनोर में पॉलिटिक्स बदल चुकी है, क्वीन रीजेंट मेरिल की जगह फेरेजॉन किंग बन चुका है, जिसका बेटा बड़ा ही उत्पात मचा रहा है, अपने लेफ्टिनेंट विलैंडिल को मार दिया है इस बेवकूफ ने, शोइंग मोस्ट क्रुएलिटी, जबरदस्त बिल्ड कर दिया गया है यहां पर। सो अपना कैप्टन एलेंडिन भी अब पद से हट चुका है और हेल्पलेस दिख रहा है बहुत हद तक। तो बाबा न्यूमिनोर में कहानी कुछ अलग हटके चल रही है। तीसरी तरफ इरेगियन में फिर से कैलिब्रिम्बोर को अब एनाटोर उर्फ हेलब्रैंड उर्फ सौरन के इरादे समझ में आ चुके हैं, एंड ही फील्ड इन गिल्टी कि भाई ये उसने कर क्या दिया जाने अनजाने में। क्योंकि ड्वार्वन रिंग के बाद प्रिंस ड्यूरिन ने कैलिब्रिम्बोर से शिकायत करी, जो सौरन के मंसूबे क्लियर समझ में आ चुके हैं अब उसे, जहां हेलब्रैंड ने 9 रिंग और फॉर्ज करने के लिए कैलिब्रिम्बोर को कन्विंस कर तो लिया है, जो मेंस को बांटी जाएंगी, लेकिन अब मजबूरन कैलिब्रिम्बोर को उसका साथ देना पड़ रहा है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास अब और कोई चॉइस भी नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही लिंडन से झूठ बोला, गिलगैलेट से झूठ बोल रखा कि उसने काम बंद कर दिया, लेकिन पीठ पीछे काम शुरू भी किया था, तो उसी का फायदा उठा के सौरन अब कैलिब्रिम्बोर का इस्तेमाल कर रहा है। भाई कहानी बड़ी वल्नरेबल कंडीशन पर आ चुकी है, पहुंच चुकी है, क्योंकि लिंडन ने एलरॉन पहुंच चुका है और वो गिलगैलेट को कन्विंस कर रहा है एल्विस आर्मी को इरेगियन ले जाने के लिए, क्योंकि बाबा इरेगियन में ऑक्स भी अडार अपने ऑक्स और अडार भी पहुंच चुके हैं, और यहां एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बाबा एल्विस आर्मी इरेगियन पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी वो नेक्स्ट एपिसोड यानी 6th एपिसोड में पता चलेगा, जो हमें 19th ऑफ सितंबर को देखने को मिल जाएगा। लेकिन ऑक्स इरेगियन पहुंच चुके हैं, तबाही तो होने वाली है, तबाही मचने वाली है, और अपनी ब्यूटीफुल गैलेड्रियल भी ऑक्स के साथ है ही। तो बाबा एक बार फिर गैलेड्रियल और हेलब्रैंड का रियूनियन होने वाला है, वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड। बाकी यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई है और आपने भी इस एपिसोड को देख लिया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और इसके आगे क्या फ्यूचर प्रिडिक्शन की कहानी हो सकती है, अपने हिसाब से जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर प्रिडिक्शन करेंगे 6th एपिसोड में क्या मिल सकता है, क्योंकि अभी इसमें 3 ही पार्ट को कंप्लीट किया गया, रून की कहानी नहीं दिखाई गई है, जहां सबसे मेन पार्ट तैयार हो रहा है अपना स्टार जो टॉम बॉम्बार्डिल से मिल चुका है और वो जादुई शक्तियों में महारत हासिल करने वाला है। तीसरी तरफ भाई साहब एरेंडीर भी ऑक्स के पीछे लग चुका था, तो वो भी कहानी नहीं दिखाई गई, वो नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो वेट करते हैं बाबा 19th ऑफ सितंबर के लिए, क्योंकि आफ्टर द 4th एपिसोड कहानी ने मोड़ ले लिया है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। नेक्स्ट वीडियो किस कैरेक्टर पे बना सकते हैं बाबा जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी ऑल रिंग्स के ऊपर वीडियो बन चुकी है, कितनी रिंग्स बनी जाएंगी और उनका क्या क्या उपयोग होने वाला है, किस पर्पज से बनी जाएंगी, इसके लिए अलग से वीडियो है, यहाँ आप स्क्रीन में देख ही रहे होगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।